हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और फ्लोर प्लान जिसका साइज़ है हमारा 40x31। इसकी जो फ्रंट है वो हमारी 40 फीट है, फ्रंट और बैक 40 फीट है, और जिसकी डेप्थ है वो हमारी 31 फीट 3 इंच है। इनके जो रिक्वायरमेंट है वो है 4 BHK सेट। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही हमारा मेन गेट है, हम यहाँ से एंट्री करते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री करते हैं आपको सामने देखने को मिलता है पोर्च, जिसका साइज हमने दिया है 9 फीट बाय 14 फीट का। हमने पोर्च बनाया हुआ है। पोर्च के लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है इसमें स्टेयरकेस, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाएगा, यानी कि ऊपर। ये हमने 3 फीट का दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। जैसे आप इस डोर से आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलती है लोबी, जिसका साइज हमने दिया हुआ है 14 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 9 इंच की हमने लोबी बनाई हुई है। लोबी के इस साइड आपको देखने को मिलता है किचन, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस किचन का साइज हमने दिया हुआ है 6 फीट बाय 9 फीट की हमने किचन बनाई हुई है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है एल साइज स्लेब, जो कि हमने डाली हुई है। बात करें अगर वेंटिलेशन की, उसके लिए हमने यहाँ पर 2 फीट की विंडो लगा दी है, ताकि से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। लोबी के सामने आपको देखने को मिलती है लेट और बाथ। लेट का डोर हमने यहाँ से दे दिया है। लेट का जो हमने साइज दिया है वो 3 फीट 9 इंच बाय 4 फीट के हमने लेट बनाई हुई है, सॉरी 5 फीट की बनाई हुई है। 3 फीट 9 इंच बाय 5 फीट के हमने लेट बनाई हुई है। इसके सामने हमने दिया हुआ है बाथ, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। बाथ का साइज हमने दिया हुआ है 5 फीट बाय 5 फीट के हमने बाथ बनाई हुई है। अब बात करते हैं बेडरूम की। इनकी रिक्वायरमेंट थी 4 BHK सेट, हमें 4 बेडरूम बनाने थे, जो कि हमने बना दिए हैं। ये रहा हमारा पहला बेडरूम, जिसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस बेडरूम का डोर हमने एक बाहर से भी दिया है। अगर इनकी रिक्वायरमेंट होती 3 BHK सेट तो हम इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते थे। वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको ड्राइंग रूम भी बना सकते हैं। तो इस बेडरूम का हमने जो साइज़ दिया है वो हमने दिया है 10 फीट बाय 17 फीट 6 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर विंडो लगा दिया 4 फीट की, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसके बराबर में हमने बनाया हुआ है सेकंड बेडरूम, जिसका डोर हमने 3.5 फीट का यहाँ से दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज हमने दिया है 14 फीट बाय 11.5 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 फीट की विंडो लगा दिया, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। अब चलते हैं अपने तीसरे बेडरूम की तरफ। ये रहा हमारा तीसरे बेडरूम का डोर, जो कि हमने 3.5 फीट का दिया हुआ है। इस बेडरूम का साइज हमने दिया है 11 फीट 3 इंच बाय 14 फीट 2 इंच का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। इसी के साथ आपको इसमें देखने को मिलती है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर 3 फीट की विंडो, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। इसके बराबर में हमने बनाया हुआ है चौथा बेडरूम, इसका डोर हमने यहाँ से दे दिया है। इस बेडरूम का साइज हमने दिया हुआ है 10 फीट 4.5 इंच बाय 14 फीट का हमने बेडरूम बनाया हुआ है। बात करें अगर इसमें वेंटिलेशन की, तो उसके लिए हमने यहाँ पर 4 फीट की विंडो दे दिया, ताकि यहाँ से इसका फुल वेंटिलेशन होता रहे। तो 40x31 के प्लान में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच हो रही है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हम आपको फुलफिल करके आपको सेंड कर देते हैं। जब तक आपको आपका नक्शा पसंद नहीं आता है, हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं।